हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज नाश्ते में बना रही हूँ गोरी इडली की रेसिपी, साथ में बनाएंगे मज़ेदार सी चटनी। बच्चों के टिफ़िन में देना हो या हस्बैंड के लंच में, ये रेसिपी हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। तो इस रेसिपी को मैंने किस तरह बनाया है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 3 कटोरी लिया है पानी। जिस कटोरी से मैं नाप रही हूँ उसी कटोरी से हमने आगे के इन्ग्रीडियंट्स भी लेने हैं। तो 1 चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच मैं यहाँ पर देसी घी डाल रही हूँ। साथ ही अब यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने पानी नापा था उसी कटोरी से 3 कटोरी नाप करके मैंने चावल का आटा लिया है। अब जैसे ही इसमें उबाल आया हमने ये चावल का आटा इसमें डाल दिया और इसको मैं स्पैचुला से, लकड़ी का मेरे पास चम्मच है, उससे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। किसी भी चम्मच से आप इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। गैस इस टाइम हमारी बंद है तो बस ये अच्छे से जब मिक्स हो जाए, जब आप देखें कि हल्का हल्का मॉइस्चर पूरे ही आटे में आने लगा है तो आपने इसको एक साइड कर देना है, ढक करके रख देना है। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, हम इसे ढक देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट बाद खोल कर देखेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे, इसे क्या हुआ कि जो भी भाप थी वो अंदर तक इसके चली गई। अब हमने दोबारा से इसको मिक्स करना है, एक बड़े बर्तन में डाल करके अच्छे से गूंद लेना है। तो ये आपने सारा जो काम करना है वो गरम गरम में ही करना है, इसको ठंडे नहीं होने देना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं गूंदेगा। अब इसको गरम गरम में ही गूंदना है तो बहुत स्मूथ सा ये बने, उसके लिए हल्का सा ऑयल मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ और इसे अच्छे से मल लेना है। तो ये काफ़ी गर्म होता है, कई बार तकलीफ़ होती है तो आप चाहें तो स्पैचुला से भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए जितना अच्छा हाथ से होगा उससे अच्छा स्पैचुला से नहीं होगा। लेकिन गर्म है तो कभी कभी मैं स्पैचुला से यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं हाथ से गूँध रही हूँ। तो इस तरह से आपने गूँध करके अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए अगर हाथ में ज़्यादा गर्म लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप हाथों पे पानी लगा करके भी इसको गूंद सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से गूंदना है क्योंकि अगर अच्छे से नहीं गूंदेगा तो रेसिपी भी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छे से गूंद जाता है और इसको हमने बिल्कुल चिकना करना है, गूंदते गूंदते जैसे आटा हो जाता है ना उसी तरह से हमने इसको चिकना करना है। आप चाहें तो हल्का सा हाथ गीला करके भी इसको गूंद सकते हैं। तो बस जब ये चिकना हो जाएगा इसे ढक करके 5 से 7 मिनट रख देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हो गया। 5 से 7 मिनट बाद हम इसको बनाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके थे, इसमें से आधा हम निकाल लेते हैं और बाकी के आधे को हम ढक कर रख देते हैं। इसे आपने जब भी बचा कर रखना है तो आपने इसको ढकना ज़रूर है, क्योंकि अगर ढकेंगे नहीं तो चावल बहुत जल्दी से सूख जाता है हवा लगने से। तो बस उसे ढक कर रख दिया। अब ये आधे जो हमने लिया था उसमें से हम छोटी छोटी बॉल तोड़ लेंगे, जितने साइज़ की भी हमने बॉल तोड़ बनानी है उतना ही हम पेड़े तोड़ लेंगे। तो बस इसी तरह से सारे पेड़े तोड़ लेते हैं और छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे। जो भी छोटा अगर आपको बनानी है तो छोटे साइज़ की बना लें या बड़े साइज़ की, ये आप पर डिपेंड करता है, बहुत ही अच्छी बनती हैं। थोड़ा सा ये जब हम इसको स्टीम करेंगे तो थोड़ा सा ये फूल भी जाती हैं, तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लिया है और बस ये देखिए कितने अच्छे से सारी हमने जितना भी आटा हमने लिया था उसकी सबकी तैयार कर ली है। अब एक छलनी को हमने ग्रीस कर लेना है या फिर आप स्टीमर ले लें उसको आप ग्रीस कर लें। एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने पहले ही रख दिया था तो अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको ढक देंगे इस उबलते हुए पानी पर और ये देखिए साथ ही जो हमने गोलियाँ बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। क्या मज़ेदार सी लग रही हैं। तो बस अब हम इसको प्लेट से ढकेंगे, फुल फ्लेम पे हमने इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से भाप में पका लेना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए थोड़ा सा साइज़ बहुत मामूली सा इसका बढ़ गया है और ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हमने बनानी है चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा लिया है ऑयल। तो ये जो 10 से 15 मिनट हमने भाप दिया था उसके बीच में बना रही हूँ। तो बस अब हम इसमें ऑयल जैसे ही गर्म होता है हमने डालनी है थोड़ी सी चने की दाल 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच उड़द की दाल, साथ ही थोड़े से कड़ी पत्ता और थोड़ी सी डाल रही हूँ मूँगफली। मूँगफली की जगह अगर आप तिल डालना चाहें तो तिल भी डाल सकते हैं, मूँगफली ऑप्शनल है। ये मैंने रिचनेस के डाल दी थी जिससे कि थोड़ा सा इसमें नटी फ्लेवर आ जाए, इसमें रिचनेस आ जाए। तो बस इसको जैसे ही हमने भून लिया उसके बाद हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज और इसको अब हमने पकाना है जब तक कि थोड़े से ये नर्म ना हो जाए।
अब जैसे ये नर्म होंगे हम इसमें डाल देंगे कटे हुए दो बड़े साइज़ के टमाटर। बहुत मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है। मूंगफली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें, लेकिन बहुत मज़ेदार जायका आता है। अब थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक, करीब आधा चम्मच मैंने डाला था, और इसे दोबारा से पकाएंगे जिससे कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च। मिर्च मैं डाल रही हूँ देगी वाली, देगी मिर्च डालेंगे, या फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं, नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं जिससे कि चटपटा बना जाएगा। मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है जिससे इसमें चटपटापन भी आएगा और कलर भी इसका बहुत अच्छा आएगा। तो कुछ देर पकने के बाद हमने इसको गैस को बंद करके ठंडा करने के लिए रख देना है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक के हम लगा लेते हैं जो गोली इडली हमारी तैयार हो चुकी है इतनी देर में, तो हमने तड़का लगा लेना है गोली इडली में। दोबारा से हमने उसी पैन को साफ़ करके थोड़ा सा ऑयल गर्म किया और आधा चम्मच चने की दाल डाली है, आधा चम्मच उड़द की दाल डाली है। इसे थोड़ी देर पकने देना है और इसको जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। राई मैंने डाली है करीब आधा चम्मच, और इसको भी जब अच्छे से चटक जाएगी, जब खूब अच्छे से स्प्लैटर हो जाएगी, तो हमने डालना है इसमें कड़ी पत्ता। तो मेरे पास कड़ी पत्ता फ्रेश नहीं था, मैं रखा हुआ जो सूखा हुआ होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत बेहतर है अगर आप ताज़ा कड़ी पत्ता यूज़ करेंगे तो उसका तो टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जैसे ही कड़ी पत्ता थोड़ा सा चटक जाता है तो हमने डालने हैं दो बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज, या फिर जितना ज़्यादा या कम आप पसंद करें वो डाल सकते हैं। और इसको हमने भूनना है, थोड़ा ज़्यादा ही अगर लेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, मसाला अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक जिससे कि जो ये मसाला है उसमें भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और ये बहुत अच्छी बनेगी। तो बस अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी भाप में तैयार हुई वाली इडली। तो ये गोली इडली बहुत मज़ेदार बनते हैं, और आपको एक सीक्रेट और बता देती हूँ, अगर आप इसको और भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इस पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप गैस बंद कर दें तो नींबू का रस डाल दें, मैंने नहीं डाला है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से भी करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट लगता है। तो देखिए कितनी मज़ेदार से तैयार हो गई, हल्की हल्की जब ये सीख जाएंगी तो समझें कि हमारी जो गोली इडली है वो तैयार हो चुकी है ना। बहुत आसान सी रेसिपी, और बच्चे तो इसको बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे ही ये तैयार हो जाती है और बस बच्चे तो दौड़े दौड़े आते हैं इसको खाने के लिए। तो अब हल्का सा गार्निश कर देंगे हम हरे धनिए के साथ, और इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में, जिस भी बर्तन में आप सर्व करना चाहें उसमें निकाल दें। तो ये देखिए क्या मज़ेदार लग रही हैं, है ना, लग रही हैं ना। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी हैं, और बनाइएगा ज़रूर। तो चलिए अब चलते हैं चटनी की तरफ। तो यहाँ पर हम चटनी को हमने जैसी ठंडी हुई थी तो हमने पीस करके रख दिया था, और अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तड़के के लिए हमने फिर से ऑयल लिया है, चने की दाल ली है, थोड़ी सी ली है इस बार दो चुटकी, और थोड़ी सी दो चुटकी समझें कि हमने उड़द की दाल ली है। दोनों को हमने अच्छे से भून लेना है। इसमें डालना है थोड़ा सा राई दाना, राई दाना भी समझें कि हमने क्वार्टर टी स्पून लिया होगा, और इसको अच्छे से चटका लिया है। थोड़ा सा डालेंगे कड़ी पत्ता, और बस ये हमारा जो तड़का है वो तैयार हो गया। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च को भी आप तोड़ करके डाल सकते हैं, गोली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। मैंने नहीं डाली थी लेकिन मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ। तो देखिए कड़ी पत्ता हमारा चला गया, और ये देखिए तड़का एकदम तैयार है। तो चलिए ये कटोरी में मैंने निकाल कर रख दी थी चटनी पीस करके, और ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको चटनी और गोली इडली की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।